जी, राउंड सिलेक्शन स्टार्ट करना है। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है अब? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। देखो जी, रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ये भी चैप्टर जो है ना, ट्वेल्थ में आपको बहुत यूजफुल है। जैसे इसमें जब हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे रिएक्शन का, तो बैलेंसिंग ट्वेल्थ में जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में यूज करते हो आप, जैसे छोटे क्लास में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड सीखते हो, उसको यूज करते हो बाद में, वैसे ही एलेवेंथ में रिडॉक्स जो चैप्टर है, बैलेंसिंग जब पढ़ोगे तो बैलेंसिंग चैप्टर को हम ट्वेल्थ में कभी भी यूज कर लेते हैं बीच बीच में। तो इसीलिए ये चैप्टर में काफी टाइम देना है और समझ के पढ़ना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा बॉन्डिंग जिसको पता है तो बॉन्डिंग से आसान लगता है, क्योंकि इसमें कोई लर्निंग पोर्शन कुछ है नहीं, मैं समझना है सारा। तो रिडॉक्स में सबसे पहले जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन फॉर्म में बताओगे, क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जी, अभी तो शायद किसी स्कूल में नहीं हुआ होगा रिडॉक्स, लेकिन इसमें वैसे ही करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, इसमें 4-5 संडे लग जाएंगे, इसीलिए तब तक तुम्हारे स्कूल में कब का पता नहीं खत्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कुछ बच्चे ये सोचे होंगे कि स्कूल में हुआ ही नहीं है, पहले करके क्या फायदा होगा, स्कूल से बाद में खत्म होगा लास्ट बाद में जाकर। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है किसी को पता है? देखो जी, ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन लिखने से पहले एक बात ऐसे समझ लो पहले। जैसे मान लो CCl4 हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लो CCl4, तो इससे मान लिया जाए CCl4 से Cl हट गया इसके साथ से, मान लो CCl4 में Cl कार्बन का साथ छोड़ के चला जाए तो क्या होगा उसको समझो। तो क्या होगा, सी पे 4+ चार्ज क्रिएट हो जाएगा और +4Cl-। देखो जी, ऐसे रिएक्शन नहीं होता है जैसे सोच रहे हैं। मान लो CCl4 में दोनों को अलग करो, सेपरेट करो, तो आप ये कह सकते हो भाई ठीक है, चार्ज तो न्यूट्रलाइज रहता है, ये न्यूट्रल कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज इसमें नहीं है, दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब दोनों को अलग अलग कर दोगे तो सी पे 4+ चार्ज होना चाहिए और Cl 4 है, एक Cl पे -1, 4Cl-। तो ये जो 4+ है यही तो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन, कार्बन तो वैसे नहीं जी फ्री स्टेट में 0 है, लिखवाऊंगा बाद में, लेकिन आप CCl4 में क्या कहोगे, CCl4 में कार्बन का जो स्टेट है दैट इज +4, इन CCl4 इज +4, मतलब ये ऑक्सीड, तुम कहोगे सी का मतलब ये नहीं इलेक्ट्रॉन चार्ज से लूज कर दिया, नहीं लूज नहीं किया है, CCl4 में चार्ज +4 चार्ज कार्बन पे क्रिएट हो सकता है, चार्ज डेवलप हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। और क्लोरीन का -1 दिख ही रहा है तुमको, और इसी में क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -1,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज माइनस वन, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसने डिफाइंड हुआ इसको कहते हैं इट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म, हाइपोथेटिकल है, कभी कभी लगेगा ठीक है, कभी कभी लगेगा गलत है। तो जैसे तुम NaCl मान लो, सब जानते हो Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na पे ऑक्सीडेशन नंबर, Na पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन और Cl पे ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, तो लगेगा तो ठीक लग रहा है Cl Na पे होता भी प्लस वन है, होगा भी, तो Na पे प्लस वन ही होगा। तो ये चार्ज की जो बात हो रही है, चार्ज जो किसी भी कंपाउंड पे चार्ज डेवलप हो सकता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको डिफाइन में लिख सकते हो इट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म, पहली बात तो इट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म है, क्योंकि कार्बन पे प्लस फोर चार्ज नहीं होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन चार्ज लूज नहीं करता है, ये पढ़ोगे पी ब्लॉक में, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन चार अपना लूज क्यों नहीं करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है, तो बताओगे आंसर, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो वैसे, कुछ अब पीछे का रिवाइज भी करना चाहिए, वैसे पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, लेकिन कोई बच्चा नहीं सोचे तो बता सकता है। जो तुम जैसे पढ़ते हो सोडियम प्लस वन, Mg पढ़ते हो प्लस टू, Al पढ़ते हो प्लस थ्री, चार्ज होता भी है, लेकिन C पे प्लस फोर चार्ज नहीं होता है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज लूज नहीं करता है। तो इसका लॉजिक क्या है कौन बता सकते हो? नहीं नहीं कुछ पूछ कुछ और रहा हूं मैं, पूछ ये रहा हूं जो क्वेश्चन, जैसे तुम बोरॉन बॉन्डिंग में पढ़े हो BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, BF3 में B का ऑक्टेट जो है हमारा इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो भाई B को तुम कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाते हो? यदि इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, दो इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें दो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, कम है, तो भाई हम ऐसे क्यों नहीं बनाते आयनिक बॉन्ड? बी तीन लूज कर देता, तीन फ्लोरीन आ जाता और बी एफ थ्री बन जाता, भाई आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं तो कहता हूं जब बोरोन का ऑक्टेट पूरा ही नहीं होता है, मैं तो ये कह रहा हूं जब बोरोन का ऑक्टेट पूरा ही नहीं होता है तो भाई हम तीन लूज कर क्यों कर देते हैं? और निकालो फिर जरूर देख रहा हूं, हाँ जी क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन ये है जो बी थ्री प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट, वाई सी फोर प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ये रीजन है। नहीं कहोगे जी नहीं जी कार्बन लूज नहीं करता है कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये बात तो अलग बात होगी। मैं कहता हूँ बनाता क्यों नहीं है? बोरोन का जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही है, तो बी इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तीन लूज ही कर देना चाहिए। बताओ जी, अब क्या हो गया? सब कुछ Na प्लस क्यों होता है बताओगे? Na प्लस क्यों होता है? अरे अरे ये सब केमिस्ट्री का आंसर नहीं है। Na प्लस क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, स्टेबल होता है, तो फिर नाइट्रेट में चले गए दोबारा। अरे क्या कह रहे हो?
का आंसर ठीक नहीं हो रहा है जी, भाई सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? तो आप सब कहोगे लूज करना आसान होता है, एक ही होता है, ये सब क्या बात है? वो तो सब कुछ स्टेबल होता है, सब केमिस्ट्री में कोई भी चीज पढ़ लो आंसर वही है स्टेबल होने के लिए। क्या होता है? किसी का आंसर तो ठीक नहीं है, तो वही तो आगे बताना है अट्रैक्शन कम होने से क्या होता है, वही तो बताना है। प्रिंटर नहीं है, नहीं दिया। अरे गलत आंसर है जी, सोडियम का कहोगे लिस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, बात खत्म है। और कोई भी बात बोल लो सब खत्म, बेकार की बात है, केमिस्ट्री में बेकार की बात है, जो मर्जी बोलते रहो सब बेकार है। एक लाइन का आंसर सोडियम का होता है लिस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी लूज करते हैं। लिस्ट का मतलब इतना हो गया जो इलेक्ट्रॉन, तुम कहते हो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, करता ही नहीं है, मैं तो प्रूव कर दूंगा इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता ही नहीं। सोडियम से पहले गैस बनाते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन लूज कराया जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हमने टर्म बनाया आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो क्योंकि सॉलिड से गैस बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकालने टाइम में एनर्जी कम लगती है, तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जब एनर्जी कम लगे तो आयनाइज एंथैल्पी कम होती है, मैग्नीशियम की कम होती है, कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। मतलब बुक में आंसर जब पढ़ोगे बी ब्लॉक, तो वहां लिखवाऊंगा बोरोन की क्या होती है, बुक में एक लाइन लिखा हुआ है बोरोन के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर वेरी है। एंथैल्पीज मतलब प्लूरल, मतलब डेल्टा आई एच वन प्लस डेल्टा आई एच टू प्लस डेल्टा आई एच थ्री क्या है, बहुत ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगे, यदि इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगे वो काम नहीं करेंगे जी। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, बाद में पैसे बिना मेहनत करके कमा ले, एनर्जी कम लगाना पड़े, करप्शन भी कर सके, ये सब रीजन है पढ़ाई करने का, एक ही रीजन है कि भाई हम आगे जाके हमें पैसा आराम से आ जाए, बिना काम किए आ जाए, सबकी टेंडेंसी ये होती है। तो हम वही काम करते हैं जिसमें एनर्जी कम लगे, तो एटम भी वही काम करता है जिसमें एनर्जी कम लगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी कम लगता है, तो इसीलिए बोरोन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय कोवेलेंट बॉन्ड ही बना लेता है, चाहे ऑक्टेट पूरा नहीं भी है। ये पढ़ोगे पी ब्लॉक में, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी को याद रखो। तो यहाँ पे जो हम चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन चार्ज क्रिएट हो सकता है कोई नहीं हो सकता है, किसी भी एलिमेंट में बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं, वो कंपाउंड पे डिपेंड है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म, आगे लो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑन एलिमेंट लेफ्ट इफ ऑल अदर एटम्स एटम्स अटैच्ड with this element live as ions जैसे प्रांत को समझा दिया जी। देखो इसको पढ़ने से पहले फिर से देखो CCl4 क्या पढ़ाया था, जब Cl हट गया तो जो C पे चार्ज डेवलप हो गया that is oxidation number, ये permanent चार्ज नहीं है, it is हाइपोथेटिकल नंबर। हाँ
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हाइपोथेटिकल टर्म है, एलिमेंट को हटा दो जो चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आसान लगते हैं, आगे लिख लिया सबने। चार्ज लेफ्ट ऑन एलिमेंट, इस पे चार्ज जो बच गया जब हम बाकी एटम को हटा दिए यहां से, तो चार्ज डेवलप हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप सीधा आ जाओ दूजी पेपर समय तो सीधा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको करने से पहले कुछ रूल लिख जाओ। क्वेश्चन फॉर्म लिखो, व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट्स जी। अब ये अनोन एलिमेंट का जो रूल है, रूल मतलब समझने के लिए, रूल याद नहीं करना है, बाद में अपने आप समझ याद हो जाएगा, बस देखते देखते याद हो जाएगा। तो जी पहला जो पॉइंट है, जो हमें पता है पहले से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज प्लस वन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इज प्लस टू। कुछ फिक्स होते हैं जी, वो लिख रहा हूं, अर्थ मेटल इज प्लस टू। लो जी अब आपको चलो लिख लो पहले जी, जैसे अब ये तो जानते हो कैसे मैं, हमें ऑलवेज एल्कली मेटल्स का प्लस वन ही होगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल का टू होगा। टू कैसे होगा, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप है लिथ ग्रुप, फर्स्ट सब जानते हो एलिमेंट से, ग्रुप फर्स्ट लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। तो जानते हो इस पे कितना होता है, लिथियम पे, लिथियम पे देखो कितना होता है, इस पे जितने भी एलिमेंट्स है कितना होता है देखोगे, प्लस वन। ग्रुप फर्स्ट में सबका एलिमेंट प्लस वन होगा, कैसे जानते हो, लो जी LiCl प्लस वन माइनस वन, जानते हो ऐसे NaCl प्लस वन माइनस वन, जो हमें पता है उसमें याद नहीं करना। अब बच्चे अब नींद में है कुछ, मतलब ध्यान कहीं और है, एल्कली मेटल का प्लस वन होता है भाई, क्यों होता है भाई, सिंपल है, इसको लड़ी नहीं करते हैं कुछ, कोई भी एलिमेंट लेते हो मान लो जैसे आप पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वन, तो एल्कली मेटल की प्लस वन होती है ग्रुप टू। ग्रुप टू देखो जी, जानते हो MgCl2, MgCl2 में मतलब Mg का क्या है, नाम डाल दूं पहले, लो जी M बताएगा बैक बताएगा MgBa MgCl बेरियम। तो भाई जैसे MgCl2 है प्लस टू है, कुछ भी है CaO है तो Ca पे प्लस टू माइनस टू, ठीक है। बेरियम क्लोराइड है प्लस टू माइनस वन इंटू टू,
ये सब कॉमन है, सबको पता होना चाहिए। अब देखो जी, अब आपको जो ऑक्सीजन का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चे को, याद कर करके बच्चे बार बार भूल जाते हैं। थोड़ा टाइम दूंगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है उसको देखना है। सेकेंड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नंबर या स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, अरे क्या दिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब कहोगे नेचर कैसे है भाई, देखो अब आप डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने वाले हो ऑक्सीजन का, तो लर्न करने वाले लर्न भी कर लेते हैं, वो गलत तरीका है। बच्चे बाद में लर्न कर लेते हैं फिर साफ भी हो जाते हैं दो चार दिन के बाद, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो जो हम पहले जानते हैं। बताओ जी, किसी को बताओगे पहला पार्ट दूसरे का, किसी को याद है कितना होना चाहिए ऑक्सीजन का, बोलो। अरे माइनस प्लस बोलो, ये वैलेंसी माइनस टू होता है जी, ठीक है नॉर्मल, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ऑक्सीजन इज -2 तो है ठीक है जी, मतलब 99% कंपाउंड में -2 ही होता है, 1% में कुछ चक्कर आएगा, -2 99% कंपाउंड में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, -2 इन, ये ला सकते हो -2 इन नॉर्मल ऑक्साइड, जो हम काफी बार सुनते हैं इन नॉर्मल ऑक्साइड। तो जी कैसे, देखो सब जानते हो जी, लो MgO -2 है +2 है, पेपर में -2 चार्ज होता है, नेट चार्ज जीरो, चार्ज कब याद रखो, नेट चार्ज जीरो होता है इसीलिए वैसे बनाते हैं। तो O का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे नहीं, MgO में -2 है, H2O सब जानते हो जी, H2O का चार्ज समझ लो जी, निकालना आसान है, +1 +1 -2। तो जी अब आपको मतलब समझ के पढ़ लो, H2O में ठीक है जी नेट चार्ज जीरो होता है, तो HH+1 -2, तो वैसे सब समझाया था H2O में, जब तुम मान लो हटा दो अलग कर दो तो H पे आ जाएगा 2+, एक पे +1, O पे आ जाएगा -2। हम हटा के क्यों चेक करेंगे, ऐसे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हैं सब जानते हो, Al2O3 + 3 × 2 - 2 × 3, नेट चार्ज जीरो, एल्युमिनियम में +3 × 2 + 6 - 2 × 3 जीरो, नेट चार्ज जीरो, तो O पे कितना हो गया -2, O का कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो बहुत सारे हैं सब जानते हो, और बताओ रोजी, लिथियम ऑक्साइड Li2O +1 × 2 - 2, O पे -2, लिखो पता नहीं अभी तक कॉमन पढ़ रहे हो, किसी को डॉट यहां तक नहीं होना चाहिए।
ठीक है जी, बताओ किसी को दिक्कत है यहां तक? अब आदम जी कुछ नया चीज पढ़ो, कुछ नई चीज पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट ध्यान से समझोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस वन, वर्षोर कहां से आ गया जी, इन पेरोक्साइड, इन पेरोक्साइड। अब ये जो पेरोक्साइड जो है ये वर्ड बार बार केमिस्ट्री में मिलते रहेंगे, इसको आज समझते हैं। पेरोक्साइड का मतलब क्या है और चार्ज क्यों अब मैं सुना लिया, मैं कहां से आ गया, तो चलो जी समझा रहा हूं। पहले मुझे इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने वाला हो, बाद में बताऊंगा, फिर तुम निकालोगे समझ ही नहीं पाओगे कभी। अब कोई इसका नाम बताओगे मुझे, इसका नाम क्या होता है H2O2 का नाम? हाँ तो बताओ जी क्यों नाम है ये भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों नाम है ये? H2O का नाम तो सिंपल बोलते हो वाटर है H2O, और MgO को बोलते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा O2 का ये होता है, अच्छा ये बताओ फिर यहां बताना, वो तो तीन है यहां पर H2O3 में तीन O था, O2 क्या होता है, O2 माइनस, O2 माइनस होता है पेरोक्साइड, नहीं नहीं जी गलत है, O2 माइनस पेरोक्साइड नहीं होता है, क्या होता है बता रहा हूं पहले इसको जी, इसका हम पहले ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर H2O2 का जी। जब तुम बॉन्डिंग से ड्रॉ करोगे अपने आप तुम ऐसे बनाओगे तो दिख जाएगा ऑक्टेट पूरा हो गया सब कर लो जी। देखो बताओ जी देख लिया, देख लिया जी। अब देखो जी सबसे पहली बात बॉन्डिंग के हिसाब से तुमने बना तो लिया, लेकिन तुम कहोगे सही माइनस वन चार्ज क्यों कह रहे हो, H2O में तो माइनस टू चार्ज था। तो पहले कॉन्सेप्ट ये है जी, तुम ये कह सकते हो यदि एच पे प्लस वन चार्ज हो, एच पे प्लस वन चार्ज हो प्लस टू चार्ज है, तो भाई एक ओ पे तो तुम लोगे नहीं माइनस टू। मान लो किसी को दो एक एच को देना है प्लस वन, ये ले लेगा माइनस वन, ये ले लेगा माइनस वन, न्यूट्रलाइज हो गया, यही तो माइनस वन है। एच टू ओ टू पे ओ ओ पे तो आ रहा है माइनस वन चार्ज, जिसको ऐसे समझ में नहीं आया, रुक जाओ एक सेकेंड, ऐसे समझो यदि मैं कह दूं घटा दो जी, नहीं कहा था इट इज हाइपोथेटिकल नंबर, पहले बना लो जी जो पीछे हो बना लो पहले, कहोगे नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आया जो डेफिनेशन था, जब H को हटा दोगे तो O2 पे क्या चार्ज आया बता मुझे, O2 पे क्या चार्ज आया, माइनस टू आया, या टू माइनस लिखते हो, या क्या लिखते हो, O2 टू माइनस। तो पेरोक्साइड कौन होता है जी, O2 टू माइनस, ध्यान दो जी दिस इज पेरोक्साइड हो जी। ये देखो जरा देखो ध्यान से, दो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस वन माइनस वन, मतलब क्या है O2 टू माइनस, जो बॉन्डिंग में MOT में क्वेश्चन था, जब तुम जिसका MOT से बॉन्ड ऑर्डर निकाला था O2 टू माइनस, यदि पेपर में आ जाए
ऑक्सीजन पेरोक्साइड का निकालो बॉन्ड ऑर्डर, तो बच्चे घबरा जाएंगे कहां से है। ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड यही है जी, O2 2 माइनस, यदि 2 माइनस चार्ज है दोनों एक ही, तो बॉन्ड नहीं लेगा अपना, तो O पे चार्ज इसीलिए माइनस 1 है। और केमिस्ट्री में जब भी OO बॉन्डिंग होगा उसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं, क्योंकि जब भी होगा तो ये ऐसे ही होना है, O का बॉन्ड जब भी बनेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पेरोक्साइड लिंकेज। लिंकेज, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। इसी नाम दिया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब भी ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस वन हो, माइनस वन कहां पे देख लो, ठीक है जी। अरे एक काम करो तुम, और चेक करो, मैं कंपाउंड दे रहा हूं एक, तुम लोग खुद आराम से चेक करो, प्रूव करो ये पेरोक्साइड है कि नहीं। जैसे इसका नाम क्या है बताओ कोई, इसका नाम MgO का नाम क्या है बताओ। हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों है बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम क्यों है, हाँ क्योंकि O पे 2 माइनस है, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, दिस इज, तो यहाँ O2, ये क्या है देखो जी, O2 2 माइनस है, ध्यान देना तुम अच्छा कितने चार्जेस पढ़ रहे हो, O2 माइनस है तो ये ऑक्साइड है, सिंपल नॉर्मल ऑक्साइड, O2 2 माइनस ऐसे था, देखो दिस इज पेरोक्साइड है जी, समझो। मतलब MgO जब भी कभी O पे चार्ज माइनस 2 होगा उसको हम सिंपल ऑक्साइड कहेंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जहां पे चार्ज माइनस 2 होगा जो ज्यादा का बॉन्ड होता है। तो हम फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, हम देख रहे हैं, ठीक है जी। 2 O पे माइनस 1 चार्ज है, O2 2 माइनस, तो मुझे इस पे बताना ये पेरोक्साइड है कि नहीं बताना, Na2O2 आराम से चेक करो बताओ पेरोक्साइड है कि नहीं है, नाम इसका क्या है ये बताना है। हाँ जी बताओ इसका नाम क्या है, अरे कोई नाम बताओ इसका क्या है, सोडियम पेरोक्साइड,
हाँ अपोलॉजी द्वारा क्या बताया थे? कोई बताओ? सोडियम ऑक्साइड क्यों नहीं है? ये हाँ ऐसे कहोगे जी एनए पे चार्ज प्लस होते दो एनए इलेक्ट्रॉन दो देने वाले पर एनी बॉन्ड पढ़ चुके हो एक एनए देता है एक इलेक्ट्रॉन दो एनए दो दिया होगा और O2 ने दो ले लिया होगा और दोनों O पे माइनस वन चार्ज है पेरोक्साइड है देख लो दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज इसीलिए पेरोक्साइड है तुम कहोगे नहीं सोडियम भाई ठीक है दिख रहा है यार सोडियम पेरोक्साइड तो ऐसा कंपाउंड होता है रीजन पढ़ेंगे एस ब्लॉक 11th में एस ब्लॉक में पढ़ेंगे भाई ऐसा क्यों होता है ये भी होता है जी थोड़ा देखो Na2O इसका नाम बताओ इसका नाम सोडियम ऑक्साइड है क्यों है दिख रहा है फिर समझो बॉन्डिंग इसलिए पढ़े 2Na प्लस प्लस O पे O2 माइनस O2 माइनस इज नॉर्मल ऑक्साइड दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड तो ऑक्सीजन का कितना हुआ माइनस वन इन पेरोक्साइड इसका नाम कौन बताओगे जल्दी बताना BaO2 का नाम क्या है बेरियम पेरोक्साइड है जी तो भाई बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो भाई आप लोगों को प्रोजेक्ट प्रैक्टिस प्लस 2 O 2 पे 2 माइनस मींस O पे माइनस 1 दिस इज पेरोक्साइड बच्चे बाद में कल जो BaO2 आ गया क्या बोलूं उसको जी परोक्साइड बोलूं कि ऑक्साइड बोलूं मैं देख लो जब भी O पे आ जाए माइनस वन चार्ज इसे हम कहते हैं परोक्साइड अरे दोनों होता है बेरियम ऑक्साइड इसका नाम देख लो BaO का नाम क्या होगा बोलो BaO का नाम हाँ बेरियम ऑक्साइड है जी बताओ जी किसी को डाउट हो पूछ लो भी कोई दिक्कत नहीं है कुछ दोबारा पूछ सकते हो सिलेबस काफी आगे चल रहा है आराम से पूछ सकते हो दिक्कत हो तो भाई आप आराम से कह सकते हो आपको थोड़ा टाइम लगेगा अभी चेक करके बताओ बाद में यूज टू में आ जाओगे भाई BaO2 है तो बेरियम परोक्साइड दिक्कत हो तो प्लस टू माइनस टू दोनों एक एक चार्ज आपस में डिवाइड कर लेते हैं एक एक इसीलिए हम इसको कहते हैं पेरोक्साइड और दोनों होता है बेरियम ऑक्साइड और बेरियम पेरोक्साइड क्यों होता है आगे पढ़ेंगे एस और टी ब्लॉक में ऐसा होता क्यों है किसका कह रहा है किसका Na2O2 में ये 2Na प्लस करो क्यों किया क्या कह रहे हो तुम ये मैं ये रखा तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं रखा बोलो क्या नहीं रखा ये बताओ ओ हम्म
अच्छा वो ऐसे क्या रखा, ऐसे क्यों रखा, ये क्या ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे वो तो किया क्यों ऐसे, तो टू तो लिख रहा हूं ना, तुम्हें तो कह रहा हूं ये कह रहा हूं टू माइनस, और क्या कह रहा है, नहीं नहीं कोई है नहीं, छोड़ो बात जी, मुझे बताओ तुम क्या, बल्कि वो तो लिखना क्या चाहते हो, ये छोड़ो जी, मैं ये लिख दिया, तुम क्या लिखते हो बोलो, स्टोरी बाद में लिखोगे क्या, टू ओ कितना चार टू कैसे, ये क्या है ना, हाँ बताओ जी, ये बताओ ओ पे नेट चार्ज कितना आ गया, बताओ इसमें ओ पे कितना चार्ज है, बोलो नेट चार्ज कितना है, माइनस फोर, तो भाई एने तो टोन दो ही दे रहा है, माइनस फोर कहां से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सोडियम तो दो ही दे रहा है, इलेक्ट्रॉन चार कहां से ले लोगे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन देगा वही लोगे ना, किसी को थोड़े तुम, तुमको मान लो किसी ने 50,000 पैसे दिया, वो लाख बन जाएगा तुमको दो ना, ऐसा होता है बताओ, जो देगा वही तो रहेगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं, तुम ये दो जो ओन हो गए दो ओन लेकर के ऐसे लिखोगे, एक में चार टू माइनस, तो मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी जी, क्यों यहाँ तो चार मिनट शायद आ गया, तुम कहोगे हम ऐसे लिख सकते हैं सर टू ओ लिख दे माइनस, ये तुम पूछ सकते हो सर आपने टू ओ माइनस क्यों नहीं लिखा, हाँ लिख दो जी, वही तो बताया हूं मैं लो जी, है ना, ये दोनों एक ओ पे माइनस वन चार्ज है, एक ओ पे माइनस वन चार्ज है, लेकिन तुम कहोगे फिर आप सर ऐसे लिखते क्यों नहीं हो, क्योंकि O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जैसे O2 जो है ना ये बॉन्डिंग होता है ऐसे, जैसे मान लो तुमको कोई कह दे जो O2 2 minus कैसे बना होगे, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये फ्री नहीं है, ये बॉन्डिंग की बात है, ये फ्री नहीं है ऐसे, इसी में ऐसे बनाता हूं मान लो, ये फ्री एटम नहीं है बॉन्डेड है, इसीलिए हम ऐसे ही बनाता हूं, चार तो ऐसे ही है ठीक है, तो मतलब हमें देखना पड़ेगा भाई एने दो दिया तो ओ टू जो यहाँ पे, तो ऐसे तू मान लो कहीं तो जी हर जगह सोचना पड़ेगा बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे देखो जैसे मान लो ए टू थ्री है, तुमको भी ओ थ्री तो होता नहीं मॉलिक्यूल, ओजोन होता, अब यहाँ पे टू ए प्लस क्या लिखते हो थ्री ओ टू माइनस, मतलब क्या है यहाँ ये ऑक्साइड फॉर्म में थ्री ओ ऐसे है, तुम कहोगे ओजोन उड़ा दो, ओजोन तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये क्या है, दिस इज ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड दिस इज ओ टू टू माइनस क्या है मॉलिक्यूल फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ओ टू टू माइनस इज मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर, इसे तो निकाले थे इसका, ये रीजन है, तो हमें बॉन्डिंग से सोचना पड़ेगा किस फॉर्म में कौन ले रहा है कैसे ले रहे हैं, बाकी मैं कह रहा हूं बार बार ये यूज टू में आ जाते हैं करते करते, थर्ड पार्ट ये बता दूंगा, फॉर्मूला तुम सबका निकालोगे, इसमें चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, बिना समझे हुए, लेकिन वो बाद में बताओ अभी पहले समझना है, थर्ड देखो जी, थर्ड इसका पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एक और भी होता है इज माइनस हाफ, तो जी माइनस हाफ कहां पे होता है, इन सुपर ऑक्साइड, तुमको ये सुपर ऑक्साइड कहां से आ गया, सुपर ऑक्साइड एक होता है ऑक्साइड, एक पर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड देखो जी, जैसे तो जी अब मुझे बात किया जाए, अब मान लो नाइन टेंथ की पहले बात करता हूं, नाइन टेंथ की बात, तुमको कोई कह रहे बेटा पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड बनाओ, तुम क्या बनाओगे बताओ जी, क्या कर दोगे बताओ, वैलेंसी पोटेशियम का वन ले लोगे, बताओ जी ऑक्सीजन की वैलेंसी, अरे टू के टू, लेकिन
ये K2O केमिस्ट्री में स्टेबल होता ही नहीं है, बहुत कम होता है स्टेबल, होता ही नहीं, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। हाँ लिथियम बन जाता है, लिथियम ऑक्साइड 1, 2 ये सही है, लिथियम ऑक्साइड होता है स्टेबल। हाँ जी ठीक है। अब तुम कहोगे भाई ये क्या बात है, ये तो होता ही नहीं है स्टेबल, ये पढ़ेंगे नहीं, ये रीजन अभी तुम कंपाउंड पढ़ रहे हो, एस ब्लॉक में पढ़ोगे। सोडियम जैसे लिथियम होता ही नहीं जी, लिथियम परऑक्साइड नहीं होता है, लिथियम ऑक्साइड ही होता है हमेशा ऑलवेज। तो ये सब चीज हम पहले पहले समझते हैं, जो पहले हम ये समझ रहे हैं जो भाई ऐसा होता है, फिर आप इसमें देखोगे भाई क्यों होता है। एस ब्लॉक में क्वेश्चन है ना, तो एस ब्लॉक में क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम ग्रुप फर्स्ट और टू का तो 5-6 घंटे उसका थ्योरी पढ़ोगे तो सब रीजन सब आएगा। सेकंड बुक आसान है जी, कोई भी मेडिकल नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आसान लगता है कि थ्योरी जी केमिस्ट्री में, तो न्यूमेरिकल तो है नहीं, क्या करोगे। सेकंड बुक में न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक टोटल मैथ्स ही है, मैथमेटिकल ब्रेन होगा, ऑर्गेनिक जल्दी समझ जाओ। देखो जी तो ऑक्सीजन का हो गया माइनस हाफ, तुम कहोगे कहां से आया भाई, कहां किस कंपाउंड में होता है। देखो जी अब जैसे तुमको कंपाउंड अभी दिया हुआ रहेगा, क्यों होता है बात की बात है। लो जी ये नाम लिखता हूं KO2, इसका नाम कौन बताओगे, इसका नाम कौन बताओगे बोलो जी, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। भाई सुपर कहां से आ गया, तो भाई तुमको तुम तो नहीं अभी दिमाग में क्या हो जी K2 क्यों बोल गया सर, ये K2 नहीं हुआ, बताओ बता दूंगा कि उसका भी टाइम आने दो, बताऊंगा भाई ये नहीं हुआ ये हुआ क्यों हुआ रीजन है। अब देखो जी तुमको यदि कोई कह दे है तो चार्ज कैसे होगा बता दो। लो जी KO2 ठीक है, दो कैसे निकलता है, चलो मैं पहले ब्रेक करके कुछ बताया था, प्लस वन है वैसे भूल जाओ, ऐसे के पे चार्ज प्लस वन ही होगा ऑलवेज, पढ़ा चुका हूँ। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन एक ही लूज करेगा तो O2 क्या लेगा चार्ज, माइनस वन। अब तो यदि एक रुपया को दो के बीच में बांटना हो कैसे बांटेगा बताओ, माइनस हाफ नहीं होगा, हो तो गया सुपर ऑक्साइड। तो बहुत कम है जी कंपाउंड, 3-4 ही कंपाउंड ऐसे होते हैं बस, ये बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिलेगा तुमको। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसीलिए नाम है क्योंकि ऑक्सीजन का स्टेट माइनस हाफ। ठीक है, रुबिडियम RbO2 रुबिडियम सुपर ऑक्साइड,
ठीक है जी। चलो आगे पढ़ते जी, सुनो जी, ये आवाज आ रही है सबको? ठीक है जी, आवाज आ रही है? अरे देखो जी, अब जैसे मान लो जो मोस्टली बच्चे, इतना टाइम में दे दिया काफी जी समझाने के लिए, अब देखो जी जो पढ़े लिखे नहीं होते फटाफट कैसे निकाल लेते हैं बिना समझे हुए, लेकिन उसको थोड़ा बाद में प्रॉब्लम आती है, कहाँ बताऊंगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आती है जी बाद में केमिस्ट्री में जाके समझने में, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, तो बच्चे इसको समझते नहीं है सर वो सही तरीका है निकालना। तो सिंपल तरीका देखो, तुम बिना कुछ समझे हुए तुमको कोई कह दे बताओ जी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सुनो जी ध्यान से, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर तुमको निकाल, मैं ऐसे कंपाउंड दे रहा हूं जी, मान लो जैसे के है MnO4 है मान लो, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ऐसे, मुझे Mn का मान लो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, हमें Mn का क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो Mn का तुम जानते भी हो भाई, मुश्किल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तुम कैसे याद करोगे भाई Mn का निकालना है, तो भाई थोड़े अब तुम कहोगे नहीं जी हम चार्ज को ब्रेक करेंगे कंपाउंड को ब्रेक करेंगे सोचते रह जाएंगे, नहीं अब हम उल्टा ब्रेक बाद में करेंगे। तो देखो जी इसका रूल सब इतना नहीं है, सिंपल निकालना है, तुमको याद रखना हमेशा किसी भी कंपाउंड पे, इस कंपाउंड में कितना नेट चार्ज है बोलो बताओ जी, जीरो है, यदि तुमको चार्ज क्या होता है पता है, चार्ज जो दिखाई पड़ता है, कोई चार्ज दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे इसमें क्या है, तुमको कहते हैं SO4 2-, बताओ इसमें कितना नेट चार्ज है, हाँ 2- है, तो ये सब याद नहीं करना है, जो दिख रहा है वही चार्ज होता है, जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं चार्ज, दिख रहा है चार्ज जीरो तो जीरो, दिख रहा है माइनस तो माइनस चार्ज है, तो हम चार्ज जीरो, इसमें अंदर तो चार्ज होता ही है सब पे डेवलप, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जी पूछना सिंपल, पोटेशियम पे चार्ज सबको पता है कितना होता है, पोटेशियम पे +1 बाय, अब ये याद होना चाहिए एल्कली मेटल का पराया +1 प्लस Mn पे कितना X निकालना है, X ठीक है, X निकलेगा प्लस एक O पे चार्ज ना होता है -2 नॉर्मल थी, बताऊंगा तू कहां लोगे, अब यहीं पे जी बाद में समझेंगे कहां -1 लेंगे, परऑक्साइड सुपरऑक्साइड वो कुछ कंपाउंड है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमें पता कुछ नहीं है तो लेंगे -2 भाई, ठीक है नॉर्मल ऑक्साइड होगा, ले लिया -2 इनटू कितना 4 चार एटम है इक्वल टू 0 नेट चार्ज 0 होल पे, हाँ जी निकाल लिया सबने, किसी को डॉट पे पुट करने में यार नहीं, देखो 1 + x - 8 इक्वल टू 0 कितना आ गया x, 1 + 7 आ गया, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7 दिखाना,
उसका नहीं है पास लग के ना थोड़ा है जितना ही हमने ढका हुआ थोड़ा बोला ही रहता है स्कूटी पर इतना मास्टर उसका नहीं है पास लग के ना एक ही है एक ही है देखो जी इसमें प्लस सेवन सबको निकालने आएगा तो जी इतना सब पहली बार कर रहे हो तो दिक्कत हो पूछ लो एक काम करो जी आप सब लोग पूछना दिक्कत हो यानी इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है पूछना है के टू सी आर टू ओ सेवन में सी आर में निकालो कितना हाँ ठीक है सब जी सब निकालो आराम से देखो जी जिसका नहीं हुआ है देखोगे इधर घबराओगे नहीं जी कुछ बच्चे घबरा जाते हैं मैं नहीं आ रहा है देखो के पे प्लस वन होता है जब भूज और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19-2881 एल्कली मेटल है और बेस प्लस वन चार्ज प्लस सॉरी टू दो एटम है जितना भी एटम हो इनटू टू कर दो प्लस सी आर पे एक्स ले लिया टू एक्स क्योंकि भाई दो एटम है प्लस ओ पे माइनस टू इंटू सेवन इक्वल टू जीरो तो आ गया टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स x इक्वल टू प्लस सिक्स ठीक है इसको बाद में बताता हूं एक काम करना जी एक काम करना इस पे निकालना BaO2 में Ba पे निकाल कितना है x प्लस कितना है बोलो किसका क्या है हाँ प्लस फोर है माइनस टू इंटू टू जीरो x इक्वल टू प्लस फोर ये गलत आया जी लो अब देखो जी प्लस फोर गलत आ गया पहले बोलो गलत क्यों आया पहले बोलो गलत क्यों आया बोलो हाँ तुम ये पहले कहोगे बेरियम पे चार्ज क्या है ग्रुप टू एलिमेंट है ग्रुप टू मैक्सिमम तो प्लस टू होगा मैक्सिमम प्लस टू लिखवा दिया हूं मैं ये गलत आ रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है मतलब ये मतलब नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है मतलब यदि मैं इसी ठीक है समझ लो पहले तुम्हें निकाल के देखा अरे ये ब्लर क्या आ गया तुम्हें कुछ जब नींद में निकालते रहेंगे हमेशा ये भी नहीं है देखिए तो प्लस फोर आ रहा है कुछ गड़बड़ चल लग रहा है तो गड़बड़ जब लगे देखो जी अब इसीलिए पेपर में जनरली ओपे निकालने आ जाते हैं यहां पे आ जाएंगे ज्यादा बच्चे गलत कर देंगे तो ओपे निकालोगे सही आ जाएगा देखो जैसे BaO2 है कितना है प्लस टू और जी निकालना है निकालना है ओ पे निकालना है मान लो जी अब तो अपने आप चेक करो रहा हूं मैं
कितना होगा इसका? प्लस टू होता है, फिक्स है, प्लस टू बेरियम ग्रुप टू एलिमेंट, प्लस कितना ओ पे 2x इक्वल टू जीरो, कितना आ गया 2x इक्वल टू माइनस टू, x कितना आ गया माइनस वन। लो जी आ गया माइनस वन, दिस इज पेरोक्साइड, क्या है ओ पे आ गया माइनस वन, दिस इज पेरोक्साइड। तो ऐसे सिंपल जी ओ पे निकालो, निकालो रूल से हो गया पेरोक्साइड। कुछ समझते हैं जहां पे माइनस वन आ जाए पेरोक्साइड। हाँ निकाल के देख लिया अपने आप आ गया माइनस वन। अब तुम यहां ओ को पुट कर दो, माइनस वन अपने आप सही आ जाएगा आंसर। अरे यदि तुमको पूछते हैं टीचर निकालो ओ का तो आराम से निकल जाएगा, बीए का पूछते हैं रफ में करके देख लो गड़बड़ हो गया तो। और अब तुम बीए और टू में बीए का निकाल सकते हो, मतलब माइनस वन लेना था यहां पे। निकालो जी के ओ टू में ओ पे निकालो, कितना? हाँ तो जी अपने आप आ गया, देखो तो जी आ गया, यहाँ क्या है वो है आ गया माइनस आठ। आ गया सुपर ऑक्साइड, क्या बना हो गया, इसीलिए सुपर ऑक्साइड है। तू ऐसे भी चेक कर सकते हो जी, सुपर ऑक्साइड इसीलिए है। फर्स्ट में टाइम दे दिया जो भाई कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहे। न्यूमेरिकल नहीं है तो कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, थोड़े सिंपल हो जाएगा ये। सिंपल होगा तो ट्यूशन कैसे पढ़ाओगे जी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ तो होगा अलग। लो जी बीच में कुछ बता दिया, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड रूल जो है, बस थर्ड रूल है जी, रूल कुछ नहीं है, यूज टू बनाना है भागे। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कितना होता है बताओगे हाइड्रोजन का? नंबर ऑफ तो बताओगे कितना होगा हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन हाँ प्लस वन तो होगा, ऑलवेज प्लस नहीं होगा जी, तरीका है प्लस वन तो है, कब है बता लो। प्लस वन व्हेन अटैच्ड विद, व्हेन व्हेन अटैच्ड विद, व्हेन अटैच्ड विद
अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटम और डाल दो और नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स एंड माइनस वन एंड माइनस वन व्हेन अटैच्ड विद विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड विद मोर पॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या हुआ मतलब और मेटल डालो मेटल के साथ जो लगे होंगे सिंपल ऐसे तो क्यों ये क्या बात है दो टाइप के कहां से आ गया थे ये तुरंत समझ आओगे जल्दी ही समझाता हूं जल्दी तुझे कैसे जल्दी समझ में आएगा देखो HCl तो जी बताओ H और Cl में Cl की एक तो नेगेटिविटी ज्यादा है माइनस वन प्लस वन सिंपल है H का प्लस वन होगा और बताओ अरे अभी पर है H2O प्लस वन माइनस टू एच का प्लस वन है क्योंकि ओ एक तो नेगेटिव के साथ अटैच है लो जी NH3 प्लस वन माइनस थ्री तो जी अब रूल लिखोगा N पे आएगा माइनस थ्री देखो जी तो बहुत सारे हैं सब जानते हो ठीक है जी और बताओ प्लस वन का एच आई प्लस वन माइनस वन ये प्लस वन वाला हमने एग्जाम्पल बता दिया तो जी प्लस वन वाला कौन सा है देखो इसका नाम क्या है बताओ कोई इसका नाम क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम हाइड्रोजन क्यों है अच्छा इसका नाम बताओ तो NaH का नाम बताओ हाइड्राइड क्यों बोलते हो भैया यहां पर नहीं बोलते हाइड्रोजन हाँ मतलब इसका जी वैसे ही सब चीज केमिस्ट्री में आगे हम ज्यादा पढ़ेंगे लेकिन Na आगे H का माइनस वन देखो जी तो जब एनाइन होता है कोई भी सिस्टम तो नाम बिगाड़ते हैं खराब कर देते हैं हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड तो जी अब तुमने क्या लिखा था जब H किसके साथ अटैच हो मेटल के साथ तो आ जाएगा माइनस वन भाई मेटल तो देगा देगा ही लेना पड़ेगा इसको H को जी H की तो इसीलिए हम हाइड्रोजन चैप्टर अलग से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में क्यों इसके बाद दोनों बिहेवियर है कभी दे भी रहे देने की टेंडेंसी है कभी लेने की टेंडेंसी है इसीलिए हम अलग से पढ़ते हैं चैप्टर और भी है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड प्लस टू माइनस वन इंटू टू इतना पढ़ाने में स्कूल में पांच मिनट भी नहीं लगते हैं लेकिन आपको फटाफट बैलेंसिंग पे पहुंच जाते हैं तुरंत लेकिन पहले सब सीखना पड़ेगा थोड़ा ठीक है ऐसे बहुत सारे हैं तुम कह सकते हो सीजियम हाइड्राइड CsH3 होता है सीजियम हाइड्राइड तो हाइड्राइड आपको प्लस वन माइनस वन
ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। जैसे हम ये पढ़ेंगे, जैसे मान लो तुम कहते हो हाइड्रोजन क्लोराइड फिक्स है, एनायन का नाम खराब बिगाड़ते हैं, बिगाड़ना मतलब तुम हाइड्रोजन क्लोरीन कहाँ कहते हो, क्लोराइड कहते हो, सोडियम क्लोराइड कहते हो, तो कैटायन का नाम लिखते हैं एज इट इज और एनायन का नाम हम खराब कर देते हैं। ये रूल है, आयनिक सिस्टम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमने यहाँ क्या लिखा, सोडियम हाइड्राइड नहीं पढ़ते, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन कहाँ पढ़ते हो, ऑक्साइड बोलते हो, मतलब नाम खराब करना होता है। तो ये रूल है, कैटायन का नाम एज इट इज, एनायन का नाम मतलब आप लोग नया नया सीखोगे जिसे पढ़ते हो, यूज टू में लाओगे जो पहले से पता है। तो हाइड्राइड जैसे क्लोराइड वैसे हाइड्राइड। देखो जी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, प्रूव कर लो पहले हाइपोथेटिकल नंबर क्यों है, क्योंकि अगर आप तुम करो चार जो ठीक आ रहा है हाइपोथेटिकल क्यों है, तो इसका एक सिंपल है क्योंकि फिक्स नहीं है। देखो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसको याद ही करना है, कंपाउंड पे डिपेंड है, ध्यान से देखोगे जी। निकालो आप लोग PH3 में पी का निकालो, निकालो पी का, और PCl3 में पी का निकालो, और PCl5 में पी का निकालो, और P4 में P का निकाल, क्या नाम है जी, विधि बताना, आप बताओ कि PH3 में पी का कितना है, कितना थ्री नहीं है क्या PH3 में, PH3 में पी का पूछ रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, अभी आप चैप्टर थर्ड जब पढ़ोगी तो समझोगी अच्छा से। हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो क्या होगा, प्लस। फास्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल, ग्रुप 15 है, तो मेटल जानते हो, मेटल कौन होता है, ग्रुप फर्स्ट या सेकंड को ध्यान रखो, मेटल के साथ -1, जैसे वाटर में क्या था, +1 ही था ऑक्सीजन, प्रश्न लेना है ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ी प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे ना आगे -3। हाँ इसमें बताओ कितना है, बताओ, हाँ 3 है जी, एक्स प्लस -1 × 3 0, 3 आ गया, इसमें कितना है, हाँ देखो जी इसीलिए फिक्स नहीं होता जी, कंपाउंड पे डिपेंड है, इसीलिए कोई रूल फिक्स नहीं है। +5 स्टेट, इसमें कौन बताओगे पी का, 0 जी, 0 ऑक्सीडेशन नंबर और पी 0, क्यों, मॉलिक्यूलर फॉर्म इसको बोलते हैं, नेटिव फॉर्म है जो भी हो, नेटिव फॉर्म उसको जीरो कहते हैं, जो एग्जिस्ट करता है उसमें, जैसे बोर्ड पे जीरो था वैसे P4 मॉलिक्यूल है, नेटिव फॉर्म में जीरो। जैसे देखो जी और देखो एग्जांपल, देखो सबका जीरो है, मुझे एग्जांपल बताओ जी, कोई बताओगे मुझे, देखो जी एक सेकंड इधर देखो जी, सामने देखो, बताओ Na का कितना होता है, Na का कितना, 0 होगा जी, नॉट
प्लस वन कंपाउंड में होता है प्लस वन, ध्यान देना NaCl Na का जीरो वैसे जीरो, और किसी के पास जैसे एक रुपया जेब में है चलिए मतलब रोड पे जाएगा तो फेंक देगा बेकार है फेंक दो, जब किसी को देना होगा तब दोगे। सोडियम का नेटिव फॉर्म जीरो, Cl2 का जीरो, O2 का जीरो, ओजोन का जीरो, S8 का जीरो, P4 का जीरो, H2SO4 का जीरो, सब जीरो जी, SO2 का जीरो, सब का जीरो है। मैं पूछू H2SO4 में H का क्या होगा तब निकालोगे, नेक्स्ट टाइम तक बुकलेट अभी मिल जाएगा, कुछ दिन में बन रहा है अभी, मैं क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ, बुक का ही है, बुकलेट बाद में मिल जाएगी, तो अभी आपको बुकलेट की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे जब बुकलेट मिलेगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है जी, बुकलेट मिलेगा तो क्वेश्चन आप देखोगे यही मिलने वाला है पेज वन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वही भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है अंडरलाइन एलिमेंट पे, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको निकालोगे सब लोग जी, एच फोर बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में पी टू सेवन पे पी पे निकालना है, निकालो सब लोग, जिसको नहीं आएगा पूछोगे जी एच का प्लस वन, अरे एच का कब देना माइनस वन, जब मेटल के साथ हाइड्राइड फॉर्म हो, हाइड्राइड इसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड जब होता है, मतलब हाइड्राइड जब भी होगा तब होता है, प्लस वन इंटू फोर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू सेवन जीरो, फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू टेन फाइव, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको, चलो ये एक और कर लो, एक सिंपल कर लो, बुक में ही है सी ए ओ टू पे ओ का निकाल, सी ए ओ टू पे ओ कर लो, ठीक है, सब साथ साथ निकालोगे जी, कोई पीछे नहीं रहोगे, ये चैप्टर साथ साथ आ जाना चाहिए, ऐसा चैप्टर है। तो जी जिसको नहीं आया तो कैल्शियम ग्रुप टू का एलिमेंट प्लस टू, प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन, दिस इज परोक्साइड है, कैल्शियम परोक्साइड जी, अब कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो सी ए ओ लिखा होता, तो जी अब कभी कभी क्या होता है पेपर में आ गया सी ए ओ पे सी ए का निकालना, ओ टू पे सी ए पे, बच्चे गलती कर देते हैं, एक्स माइनस टू इंटू टू कर देते हैं, फोर निकाल देते हैं, एक्स इक्वल टू कितना फोर, तो बच्चे गलती आ जाता है, तो तुम ऐसे रफ में निकाल लिया करो साइड में ओ का, देख लो निकाल के, याद रखो पेरोक्साइड या निकालो, ये प्लस फोर होकर कैल्शियम का। अब एक क्वेश्चन बनता है जी सबके लिए,
तुम कहोगे सर क्या पता हमें किसका क्या होता है ना प्रॉब्लम है, इसका तो याद है। हाँ जी बताओ, एक क्वेश्चन तो होना चाहिए ना भाई, किसी एलिमेंट का कितना होता है मैक्सिमम? वो अभी बताऊंगा मैं, तो बताऊंगा जी, पहले इसको बताऊंगा रूल क्या है, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम कितना होना चाहिए, रूल है बताने वाला हूं। उससे पहले एक क्वेश्चन पहले कर दो फिर बताऊंगा। बुक में ये KAL SO4 whole twice dot 12H2O S पे निकाल, नहीं गलत आ गया, प्रस्थित गलत है, क्वेश्चन ठीक है कि KAL SO4 वोल्टेज ठीक है, हाँ 6 आ गया, कितना है दो जी, और किसका है जी बोलो, जिस इसका है सिक्स आ गया बोल दो फटाफट। जिसका नहीं है देखो जी के ठीक है, के का प्लस वन, एल पे प्लस थ्री, एल्युमिनियम 283 प्लस थ्री, दो जी कुछ चीज है ना, अब आप अपने आप कह दो कॉमन है प्लस थ्री, एल का प्लस थ्री भाई, एस पे एक्स 2x क्यों टू होल प्राइस है, वो पे कितना जी माइनस 2 × 8 4 × 2 = 8 एटम, माइनस 2 × ओ पे 8 एटम बन गया जी टोटल, प्लस लो जी यहां तो सीधा जीरो कर दो 12 × 0 प्योर मॉलिक्यूल का, लेकिन यदि निकाल निकालो 12 × + 1 × 2 और यहां प्लस माइनस 2 ये इक्वल टू 0, बताओ जी किसको दिक्कत है यहां बोलो, ये माइनस 2 है, कितना आ गया प्लस 4 2x माइनस 16 प्लस कितना 12 × 0 = 0 2x माइनस क्या होगा 16 ना, 16 ठीक है 16 जी, पता जी पूछो किसी को दिक्कत है पूछो, कितना गया 2x माइनस 12 = 0 2x = 12 x = +6 तो जी 6 तो जी बता दूं सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम का रूल है, कोई मिनिमम का रूल नहीं है, मैक्सिमम प्लस 6 होता है जितना इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कभी भी किसी एलिमेंट का ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल,
जो लिखवा दूंगा पार। जैसे यहाँ देखो जी कैल्शियम के आगे प्लस फोर गलत, कैल्शियम के क्या आउटर मोस्ट में प्लस टू मैक्सिमम। तो भाई इतना ही पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम कुछ अनकॉमन सब करोगे जी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। स्कूल सब में आसान पूछते हैं बात अलग है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो इंटरेस्ट में भी आते हैं। तो इसको रिवाइज करके आओगे जब भी नेक्स्ट, जब भी संडे क्लास होगी तब भी होगी, इसको इतना पढ़ के आना तो आगे जाके तो अच्छा लगेगा। ठीक है।